हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। ये देखिए, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्था है जहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर, यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं पीएचडी। किसमें आमंत्रित किए जाते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फुल टाइम है विथ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप एंड पार्ट टाइम फुल टाइम एंड ऑन फेलोशिप फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस फुल टाइम और पार्ट टाइम स्पॉन्सर है। और इस तरह के आपको यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं। और ये जो एडवर्टीजमेंट जारी हो गया है, आपको प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो इसके बारे में बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, कब तक लास्ट डेट है और क्या किन किन सब्जेक्ट में कितना सीट है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं आपको उस पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन पे। तो आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। देखिए, यहाँ पर सेक्शन द कट ऑफ द डेट ऑफ द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पीएचडी एडमिशन 8 दिसंबर 2023 तक अप्लाई करने का है यहाँ पे। और देखिए, डिपार्टमेंट है यहाँ पे, देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग है। और डिसिप्लिन एरिया भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकती हैं, डिसिप्लिन है और डिपार्टमेंट है, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो बता दें, सिविल इंजीनियरिंग में है आपको, रेफरेंस टेबल 1 के कह रहा है यहाँ पे रेफरेंस करने के लिए। कंप्यूटर साइंस जो है एंड इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग है जिसे ECE भी बोलते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जिसे ME बोलते हैं, और अप्लाइड साइंस है जिसे AS बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस तरह से फिजिक्स में है इसमें, अप्लाइड साइंस में, और मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, और इन्वायरमेंटल साइंस है, EBS बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और देखिए, यहाँ पे लिख दिया हुआ कि देयर आर नो सीट विथ इंस्टीट्यूशन असिस्टेंटशिप इन द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस के इन्वायरमेंट और साइंस में आपका इंस्टीट्यूशन फेलोशिप नहीं है। ये बात गौर कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है यहाँ पे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए, पर डिपार्टमेंट वाइज बोर्ड ऑफ एरिया रिसर्च इन विच एप्लीकेशन आर इनवाइट टेबल 1 दिया है। देखिए, रिसर्च एरिया दिया है, और आपको ब्रॉड एरिया ऑफ डिपार्टमेंट दिया है, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च दिया है। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है, आप देख लीजिए कि किसका आपका एरिया स्पेशलाइजेशन क्या है, किस में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर डिपार्टमेंट बता देता हूँ कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या निकला हुआ है। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग है यहाँ पे बता ही दिए, कंप्यूटर साइंस है, इसका भी देख लीजिए, आप गौर से देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे चलता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ME है, यहाँ पर भी दिया है, पावर एनर्जी सिस्टम है आपका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है यहाँ पे। और इसी तरह से कंट्रोल ऑटोनोमेशन है, यहाँ इसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर इसमें करना चाहते हैं तो। इसी तरह से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, ME में जिसे बोलते हैं, और अप्लाइड साइंस है, AS जिसे बोलते हैं, और डिसिप्लिन फिजिक्स है, तो यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे भी इसकी किन में कर सकते हैं। अप्लाइड साइंसेज में है यहाँ पे, डिसिप्लिन मैथमेटिक्स है, MA है जिसे बोलते हैं, और अप्लाइड साइंस AS में भी दिया है यहाँ पे कौन कौन से में करा सकते हैं। अप्लाइड साइंस AS MSc कैंडिडेट ओनली डिसिप्लिन इन्वायरमेंटल साइंस में दिया है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन और संस्थान से ऑर्गेनाइजेशन से आपको AICT और UGC से एक मान्यता प्राप्त इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, और किस में होना चाहिए आपको, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको, यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पे PhD प्रोग्राम फुल टाइम अंडर द इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के बारे में दिया है, तो आप किस में देख सकते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है आपको, यहाँ पर पूरा डिटेल्स है आपके, 8.5 CGPA होना चाहिए आपको। तो इसके अनुसार MCA डिपार्टमेंट में 324 क्रेडिट का है, साइंस डिपार्टमेंट में आपको होना चाहिए, इस तरह से ये होना चाहिए। PhD प्रोग्राम पार्ट टाइम में दिया है कि आप पार्ट टाइम में यहाँ से भी कर सकते हैं PhD, और
रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं वर्किंग कैंडिडेट अंडर द कैटेगरी मस्ट बी वर्किंग 120 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तो वहाँ हो सकता है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो, ये दे दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पार्ट टाइम के लिए सेम ही है, लगभग होता ही है, अंडरटेकिंग देना होता है। वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा। फुल टाइम आपको देखिए किन किन को मिलेगा, ये बहुत स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से दीजिए, इस बात इम्पोर्टेंट है, आप उतना देखिए इसको, पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। देखिए कि फुल टाइम प्रोग्राम आपको विथ ऑनर ऑन फेलोशिप, अपना जो फेलोशिप है, जैसे कि ऑन फेलोशिप किसी कहा गया है यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट है, लाइक गेट जो होता है नेट JRFLS जो होता है उसके द्वारा फेलोशिप जो मिलता है, और GPAT जो है इंस्पायर्ड फेलोशिप और फेलो है तो, और रिसीव फेलोशिप बाय सम आउटसाइड एजेंसी, कई एजेंसियां भी देती हैं फेलोशिप, तो उसके एलिजिबल क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए यहाँ पे, तो तब भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आप देख लीजिए PhD प्रोग्राम फुल टाइम विथ सेल्फ फाइनेंस आपका होना चाहिए यहाँ पे PhD, और कैंडिडेट अप्लाई फॉर फुल टाइम विथ सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, विल बी नॉट प्रोवाइड एनी फेलोशिप कंटीजेंसी ग्रांट बाय द इंस्टीट्यूशन द्वारा, आपको नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक कह दिया है। सेल्फ फाइनेंस में अपनी व्यवस्था करना होगा, और आपको स्पॉन्सर ही कराएगा फुल टाइम पार्ट टाइम, एंड स्पॉन्सर कोई कर रहा है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट द्वारा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते, जैसे AMU जो हुआ है उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो द क्वालिफाई अपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एक्ट कैंडिडेट अप्लाई फॉर PhD पार्ट टाइम फुल टाइम सेल्फ, यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, सीधे सीधे लिख दिया है नॉट मैंडेटरी, जरूरी आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। PhD कोर्स वर्क आप एक्सपीरियंस हैविंग वर्क एक्सपीरियंस 15 ईयर और मोर इन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे अगर है रिपीटेड तो मे बी कंडक्टेड थ्रू द प्रोजेक्ट वर्क, आप सेमिनार में कर सकते हैं। फुल टाइम के पास आपको गेट क्वालिफाइंग नेट गेट एग्जामिनेशन कंसर्न डिसिप्लिन और एग्जामिनेशन प्रोग्राम सब्जेक्ट अवेलेबल द इंस्टीट्यूशन फेलोशिप तो है ये है। और एडमिशन प्रोसेस आपको किस आधार पे होगा, होगा फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए, द क्लियर नॉट क्लियर इंस्टीट्यूशन रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा आपके यहाँ पे, इंटरव्यू बेस पे होगा। फॉर द मोर कैंडिडेट द इंस्टीट्यूशन रिटर्न एग्जामिनेशन नीड टू बी क्लियर फॉर गेटिंग इंस्टीट्यूशन असिस्टेंटशिप आपके पास होना चाहिए। तो इस तरफ से छोटी छोटी बातें हैं, आपको देख लीजिएगा, मेन मेन पॉइंट आपको बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर लिंक दिया है, यहाँ पर जाके आप अप्लाई क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और कैंडिडेट को जाना होगा। और देखिए यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको ध्यान में रखिए कि एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा 1,000 रुपया। किनको 1,000 रुपया देना पड़ेगा, तो देखिए यू आर है अनरिजर्व कैटेगरी है ओपन में जिसे बोलते हैं OBC नॉन क्रीमी ESW को 1,000 लगेगा, अदर्स को, अदर्स में मतलब SC ST PWD को 500 रुपया देना पड़ेगा, और फॉरेन को आपको वोमेन कैंडिडेट इंडियन ओनली आर एग्जेम्प्टेड फॉर द एप्लीकेशन फीस से एग्जेम्प्टेड रहेगी वोमेन, उन लोगों को एक भी फीस नहीं लगेगा, और फॉरेन नेशनल को आपको $50 लगेगा, यहाँ पे विदेशी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वहाँ पे उसको देना पड़ेगा $50 देना पड़ेगा यहाँ पे। रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा UGC के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार, SC ST OBC और सबको फेलोशिप रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार यहाँ पे लिख दिया गया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट डेट है, आपको देखिए लास्ट डेट कब तक है, तो 14 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात है, दूसरा नंबर पर है कि डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट बाय द कंसर्न HOD इन द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पर आपको 19 दिसंबर को हो जाएगा 2023 को। रिटन टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी हुआ तो आपको 26 दिसंबर को कराया जाएगा, नहीं तो लिख दिया गया है कि नहीं है, ज़रूरी नहीं है।
यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन इंटरव्यू एलिजिबल कैंडिडेट को जो होंगी वो 26 दिसंबर को होगा, उसके बाद 27 को होगा और 28 को होगा रिजर्व डे, तो ये हो सकता है। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको 29 तक घोषित कर दिया जाएगा और ऑनलाइन फी आप 29 से 31 के बीच में जमा कर सकते हैं और रिपोर्टिंग 1 जनवरी को कीजिए और आपका उसके बाद से क्लास शुरू हो जाएगा, कोर्स वर्क का क्लास शुरू हो जाएगा, आप यहाँ के PhD स्कॉलर बन जाएंगे, अब अपना PhD करना शुरू कर दीजिएगा। इस तरह से होगा, आपको क्या क्या ट्रांजेक्शन ID, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगेगा, ये सब बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे। अगर कोई भी समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर ले सकते हैं। और ये कहाँ निकला हुआ है तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में निकला हुआ है और ये दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है दिल्ली, वहाँ पे ये निकला हुआ है और इन्हीं सब्जेक्ट में निकला हुआ। और इस तरह से फॉर्म आपका भरा जाएगा, इस तरह फॉर्म भर के अप्लाई करके आप भेज सकते हैं। तो ये रहा PhD से रिलेटेड अपडेट, आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। अंत में ही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इसे लाइक जरूर करें। लाइक बहुत कम स्टूडेंट कर रहे हैं, जितने स्तर पर जितने लेवल पर लोग स्टूडेंट देख रहे हैं उतना लाइक नहीं मिल रहा है, आप लाइक ज़रूर कीजिए। इससे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि क्या हो रहा है, एक अन्य इन फ्यूचर एक डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ हमको क्या करना है, क्या अपने में और सुधार करना है, क्या और इन्फॉर्मेशन ऐड करना है और क्या नहीं बोलना है। तो ये बात आप गौर से सुन लीजिए और इसको सही से आप लाइक कीजिए ज़रूर, 1 मिनट भी 1 सेकेंड भी नहीं लगता है लाइक करने में। थैंक यू वॉचिंग इसके लिए। हेलो स्टूडेंट, आप PhD करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर PhD से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले 1 महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। PhD एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन।